Thank you.
म्यूट है ना, म्यूट आ रहा होगा। नमस्कार, सुप्रभात। ये तो म्यूट हो गया। पावन मधुर क्षणों में आप सर्वे आत्मीय मुमुक्षुजनों खूब ज प्रेम थी अने सम्मान थी हार्दिक स्वागत। आजे सत्रनो बीजो दिवस छे। सत्रनो आरंभ थाय ए पहेला आपणे सामान्य सूचनाओ जोई लईए। आपणे मोबाइल म्यूट राखीशुं जेथी आपणा आसपासनो अवाज सत्रमां खलेल न पहोंचाड़े। चालू कार्यशाळा दरमियान स्क्रीनशॉट नहीं लईए, विडियोने बंद राखीशुं, रेकॉर्डिंग पण नहीं करिए। अने आ अध्ययन शाळानी कोई पण सामग्री आपणे व्हाट्सअप के सोशल मीडिया पर शेर नहीं करिए। तो एक बार आपणे तैयार थई जाइए, एक सरल आसन में बेसी जाइए, श्वास प्रश्वास साथे जोड़ाई जाइए अने ए स्थान थी આપણે આજે આચાર્યજીને સાંભળીએ। આચાર્યજી, હું આપને વિનંતી કરું છું કે સત્રનો શુભારંભ કરીએ। શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। पराप्राविशिका अध्ययन कार्यशाळाना बीजा दिवसे आप सर्वेनु हृदयथी खूबज प्रेमथी स्वागत। આજે આપણા બધા માટે ખૂબ જ સૌભાગ્યનો દિવસ છે કે આજે આપણી સાથે આચાર્ય પ્રોફેસર રમાકાંત આંગીરસ ગુરુજી પધાર્યા છે। આજનું વ્યાખ્યાન ગુરુજી આપશે, તો સર્વપ્રથમ હું એમનો પરિચય આપું। ગુરુજી હિન્દીમાં બોલશે એટલે હું એમનો પરિચય પણ હિન્દીમાં આપું છું। આચાર્ય પ્રોફેસર રમાકાંત આંગીરસ પંજાબ વિશ્વવિદ્યાલય ચંદીગઢ મેં કાલિદાસ પ્રોફેસર ઓફ સંસ્કૃત કે પદ સે સેવાનિવૃત્ત હુએ। આત્મચિંતન વ મંથન મેં રત રહેતે હુએ वे केवल अपने छात्रों के ही नहीं वरन अपने मित्रों और अपने परिचित विद्वत जनों के भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अध्ययन व अध्यापन की एक दीर्घ परंपरा का सफल निर्वहन करते हुए वे दर्शन, साहित्य एवं कला के अनुष्ठानों व अनुसंधान में निमग्न रहे हैं। आपका जन्म एक संस्कृत निष्ठ परिवार में होने के कारण वे सदैव संस्कृत एवं संस्कृति को सहज जीवन से जोड़ते आए हैं। उन्हें अपने चिंतन परक अध्यापन के लिए कई बार देश विदेश में सम्मानित किया गया है।
वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में अपनी बात को सटीक ढंग से कहते आए हैं तथा शास्त्रीय जटिलताओं को सरलता से परिणत करके उन्हें सर्वजन ग्राह्य बना देने को वे अपना परम उद्देश्य मानते हैं। आपके द्वारा लिखे शांकर वेदांत एक अनुशीलन, ट्रायोलॉजी ऑफ तंत्र, तंत्रार्थ मीमांसा जैसे ग्रंथ एवं अन्य शोध पत्र प्रकाशित होकर सुधी पाठकों वर्ग पाठक वर्ग में समादृत हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त उनका अपना मौलिक कविता संग्रह भी प्रकाशित होने की दिशा में अग्रसर है। मुझे जो गुरुजी के बारे में प्रिय बात लगती है वह है उनकी सहजता। वे सच में प्रेमी हैं। वे हृदय से जुड़कर हर बात को कहते हैं और उनकी बात आपके हृदय में बस उतर जाती है, क्योंकि वे एक सच्चे साधक हैं। अतः उनका कथन अनुभव पूर्ण होता है। शास्त्र और साधना का आप में अद्भुत सामरस्य है। तो आइए ऐसी विभूति की वाणी का श्रवण करते हैं। आप आज कश्मीर शैव दर्शन के आधारभूत विषय पर बोलेंगे, सामरस्य की अवधारणा। सामरस्य की अवधारणा यह अपने आप में ही बड़ी विशिष्ट अवधारणा है, जो इस दर्शन को अन्य दर्शन की अपेक्षा सर्वग्राही बना देती है, सबको अपना सा लगता है। तो आइए विनम्र भाव से विनीत होकर आचार्य प्रोफेसर रमाकांत अंगिरस गुरुजी को सुनते हैं। गुरुजी आपका स्वागत है। ओम हरि ओम तत्सत्। नमः शिवाय शांताय रुद्रायाम तेजसे जगदाधार भूताय शंकराय नमो नमः। समस्त शैव संगोष्ठी में समुपस्थित बंधु वृंद, साधक गण, ये बड़े सौभाग्य का दिवस है मेरे लिए भी। इस शैव पराप्रावेशिका ग्रंथ के पारायण में संलग्न आप जो साधक गण हैं, उस गण का मैं भी एक भाग बन रहा हूँ। तो प्रस्तुत कार्यशाला में एक जो ये निहार जिसके माध्यम से अवसर मिला है छोटा सा, तो उस पर विचार करने के लिए स्वीकृति देना मेरे लिए बड़ा सहज रहा है, क्योंकि ये विषय मूलतः जीवन से जुड़े हुए हैं। कश्मीर शैव शास्त्र का एक दृष्टिकोण जो बहुत मुझे मार्मिक लगता रहा है, उसमें ये है कि सभी दर्शन प्रणालियां जो व्यक्तिगत मोक्ष के विषय में विचार करती रही हैं, उसकी अपेक्षा यहाँ आचार्य अभिनव गुप्त जैसे व्यक्ति जो थे, उन्होंने उस समय ये लोक के प्रति कैसे चिंतन किया, इसका एक प्रमाण आप देखें तो उनका एक पद मेरे सामने आ रहा है कि वो भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं अपना स्तोत्र, क्रम स्तोत्र लिखने के अंत में, इत्थम सुशक्त्यौघ किरणनुते प्रबंधान, अगर हे भगवान शिव आप मेरी ये सुशक्त्यौघ नुति प्रबंधान, ये जो प्रबंध है स्तोत्र है, इनको सुन करके आप अगर प्रसन्न होते हैं तो आपकी प्रसन्नता ये कीजिए कि ये सभी जो जनता का अज्ञान अंधकार है, इस अज्ञान अंधकार को तो आप शमित कर दें, शांत कर दें, ऐसी मंगल कामना करके वो अपने स्तोत्र का समापन करते हैं।
तो कश्मीर शैव दर्शन में मुझे जो एक विशिष्ट दृष्टि लगी, और उस दृष्टि ने मुझे बहुत वर्ष पहले अपनी ओर तब आकृष्ट किया था कि यहाँ केवल आत्मचिंतन के माने केवल मात्र अपना ही चिंतन नहीं है, ये कैसे आत्म का चिंतन है जो पर को भी आत्मसात कर लेता है। तो पर को आत्मसात कर लेने वाला जो चिंतन जो है उसका मौलिक अवधारणा जो प्राप्त हुई वो था सामरस्य। सामरस्य की ये जो अवधारणा थी इसने इसी समय अभिभूत किया कुछ काव्य ग्रंथों के माध्यम से, कविताओं से, कुछ रचनाओं से के माध्यम से, कुछ विद्वान लोगों के संग से जो मेरे घर पर आते थे, तो वो कोई कोई उसके अंदर उसमें ये चर्चा करते थे कि कश्मीर शैवागम के अंदर ये जो सामरस्य की अवधारणा है ये अद्भुत है। तो उस अद्भुत का अनुसंधान करते हुए जो कुछ विचार सामने आते हैं वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि मूलतः प्रश्न है वैषम्य का। मनुष्य जो है वो वैषम्य के विष से दष्ट है, दसा हुआ है। वैषम्य का विष क्या है कि अपने यहाँ से लेके बाहर तक अगर देखें तो ये एक अशुद्ध अध्वा की दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो प्रत्यक्ष होता है कि मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत। मन में कुछ है, वचन में कुछ है और कर्म में कुछ और ही है, ये वैषम्य है। ये वैषम्य प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर, प्रत्येक साधक को भी कई बार अनुभव करने का अवसर मिलता है और वो अनुभव करते भी हैं लोग, लेकिन विवश उस विष के शांत करने में अपने आप को विवश अनुभव करते हैं। तो इसलिए ये जो विष है, जो वैषम्य का विष जो है, वो केवल मात्र व्यक्ति में ही संचारित नहीं हो रहा है, समाज के अंदर भी वो वैषम्य कई प्रकार से संचारित होकर के बहुत बहुत अनर्थों का हेतु बना हुआ है। अब वहां पर मेरा द्वैत मुझे मिला, कई माध्यमों से मिला, व्याकरण के माध्यम से भी मिला और शाक्ताद्वैत के माध्यम से मिला, शैवाद्वैत के माध्यम से भी मिला, केवलाद्वैत के माध्यम से भी मिला। मुझे अद्वैत से परिचय हुआ इसलिए कि संसार विष शांत है क्षेमेण उद्धेतः, ये प्रतिभिज्ञा हृदय में आचार्य क्षेमराज जब ये स्तवन करते हैं तो वो इस विषय में अपनी चिंता प्रकट करते हैं कि मैंने प्रतिभिज्ञा हृदय को इसलिए आविर्भूत किया है अपनी कलम से कि क्षेमेणोद्धीते, क्षेम के द्वारा ये उद्धृत संसार विष शांते, संसार का जो वैषम्य विष है उसकी किसी प्रकार से शांति हो, और इस विष की शांति के लिए विभिन्न जो उनकी अन्य दर्शन पद्धतियां हैं उनके साथ वो संघर्ष में नहीं आते हैं, उनके उनको अपने अनुकूल, उनमें अपने अनुकूलता को अनुकूल्यम, सामरस्यम तो अनुकूल्यम, समरसता क्या है जिसे हम प्रतीक भाषा के अंदर कहते हैं दंपत्य और यत्र अनुकूल्यम, शिव और शक्ति का जहाँ अनुकूल्य है वहां अनुकूल्य के अंदर सभी दर्शन आपस में मिलकर के एक संवाद बैठ करके कर सकते हैं और उससे ये वैषम्य का विष जो है वो शांत हो सकता है। तो ये कश्मीर शैव शास्त्र में मुझे ध्यान आता है कि ये सामान्य मानव की जो चिंता है, सामान्य मानव की चिंता बड़ी गहराई से वो करते हैं, अन्य अद्वैत भी करते हैं लेकिन दूसरे अद्वैतों की प्रक्रिया में, पद्धति में, उस भाव साधना के अंदर, ज्ञान साधना के अंदर थोड़ा थोड़ा जैसे वैसे होता है, एक अंतराल होता है, वो अंतराल बनता है और ये ज्यादा जो अनुकूल, ज्यादा समय की समयानुकूल लगता है उसमें मुझे ध्यान आता है कि क्षेमराज अपनी विमर्शनी के अंदर शिवसूत्र विमर्शनी का बात
वो उसके समापन में कहते हैं कि ये हम रोचक इनाम रुचिवर्धिनी। अब वो इसको एक शिवसूत्र के विमर्शनी उसमें टीका लिखने के बाद उसका जो समापन करते हैं तो उसमें यम रोचक इनाम रुचिवर्धिनी मेरी ये जो विमर्शनी टीका है ये जिन लोगों को अंतर यात्रा करने में अरुचि है उन अरुचिकारों को जिनकी रुचि मर गई है, ये अरुचि होना जो है इसको आयुर्वेद के अंदर एक रोग माना जाता है। हम लोग प्रायः उस विष के प्रभाव के अंदर वैषम्य विष के प्रभाव के अंदर प्रायः भीतर की ओर लौटना ही नहीं चाहते, उस विष को हम देखना ही नहीं चाहते, हम यही अनुभव करना नहीं चाहते हैं कि ये तो ये एक अरुचि कि विषयों की ओर वो अशुद्धात्वा की ओर हमारी जो गति है वो हमें पीछे लौट करके पीछे जाने की ओर प्रेरित नहीं करती। तो वो अपना उसमें बड़ा एक अपना एक उद्देश्य बता रहे हैं कि अरोचक इनाम रुचि वर्धनी परिणतिम कुरुते परमाम मते। और ये शिवसूत्र विमर्शनी मति की जो इसका श्रवण पारायण श्रवण मनन करने वाले जो लोग हैं परिणतिम कुरुते परमाम मते है, ये मति की परम परिणति उनको ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ये मति का ट्रांसफॉर्मेशन जो है रूपांतरण करना जो है उस मति के रूपांतरण से ये मेरी जो विमर्शनी टीका है और इसका परिणाम क्या है, परिणति होने का परिणाम क्या है, तो उस परिणाम में वो कहते हैं कि ये जन्म ये जो जरा है वृद्धता है जन्म है मृत्यु है इन सभी की भयापहरित इन सभी भयों को दूर करने वाली ये शैव विचारधारा है। शैव विचारधारा में इसलिए विष को अमृत में परिणत करने का जो प्रयास है उसके लिए शैव साधक जो है वो निरंतर प्रयासशील रहे हैं। इसलिए शैवों का नाथों का कौलों का एक प्रयास रहा येनैव विषखंडेन म्रियन्ते सर्वजन्तवः तेनैव विषखंडेन योगी स्फुटेत विषम। एक वही जहर का टुकड़ा होता है, ये बड़ा अद्भुत मुझे लगा कि येनैव विषखंडेन इस जहर के टुकड़े से लोग जो हैं थोड़े से जहर को छूने मात्र से मर जाते हैं, तेनैव विषखंडेन उसी जहर के टुकड़े से योगी स्फुटे द्विषम वो योगी जो है उस जहर को मार देता है। तो ये विश्व की जो स्वीकृति है विश्व को स्वीकार करना भगवान शंकर के उसमें जब ध्यान पद्य का हम स्मरण मनन करते थे तो हमें बड़ा वैषम्य लगता था, बाहर से देखने में बड़ा वैषम्य लगता था कि भगवान शिव जो है वो एक हाथ में उसमें विष है कालकूट है और ऊपर अमृत है तो इनमें दोनों के अंदर क्या कैसे साम्य कैसे बनेगा। तो वो साम्य बनाने के बहुधा ये औत्सुक भी होता था लेकिन उसमें लगता था कि इस प्रतीक के पीछे कोई गहन अर्थ है। तो गहन अर्थ जो था वो यही था कि इस विष को अमृत में परिणत करने का अर्थ सामरस्य है। ये सामरस्य जो है इस सामरस्य की जब हम और गहराई में उतरते हैं तो दो पदों का ये एक समास है, ये एक तरह का मिश्रण है जिसे हम कह सकते हैं कि सम और रस पद का प्रयोग इसमें बड़ी मार्मिकता के साथ हुआ है। समत्वम की बात बहुत आ रही थी, भगवद गीता के अंदर भी समत्व की बात आती है, समत्वम योग उच्यते, जो समभाव है उसमें योग आना, वैष्णव लोग भी समत्व की चर्चा करते हैं कि सभी लोग यहाँ एक दूसरे को सम समझते हैं। तो ये समत्वम साम ये साम जो है उसमें भी समत्व आता है लेकिन ये समत्व जिसकी चर्चा प्राय अन्य शाक्त ग्रंथों में भी बराबर आती है जहाँ पर वो शिव और शक्ति का एक साम्य भाव पहले स्थापित दिखाते हैं हमें करके उसके अंदर।
समूतयो रजर आविश्योनि समप्रधानो समसत्तो त्रिपुर उपनिषद के अंदर उन बताते हैं कि दोनों ही समप्रधान है। यहाँ पर कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि प्रकाश और विमर्श के इस खेल के अंदर केवल मात्र एक का प्राधान्य है, वो स्वयं ही अपनी स्वेच्छा से ही प्रकाश के प्राधान्य होता है तो विमर्श अपने को गौण कर लेता है, और विमर्श का प्राधान्य होता है तो वो उसका उसको स्वयं को गौण कर लेता है। तो समप्रधान हो समसत्व, उनका प्राधान्य जो है वो भी सम है, वो प्रधान है तो वो गौण है, वो प्रधान है तो वो है। तो ऐसे लगता है कि ये जीवन जो है ये कोई बहुत जटिल ग्रंथि ना होकर के एक बड़ी सामान्य एक क्रीड़ा है। इस देवो ने आदेव्या नित्यम क्रीड़ा रसोत्सुका, अभिनव कहते हैं ये जो परम महेश्वर जो है, ये भगवान महेश्वर जो है, ये अनया देव्या नित्यम क्रीड़ा रसोत्सुका है। इस देवो ने आदेव्या नित्यम क्रीड़ा रसोत्सुका, यहाँ क्रीड़ा रस शब्द का प्रयोग उन्होंने कर दिया है जो इस समत्व को एक सामरस्य में परिणत कर देता है। ये देव परम शिव जो है ये क्रीड़ा रसोत्सुक, ये क्रीड़ा रस में बहुत औत्सुक्य प्रदर्शन करते हैं, और इस क्रीड़ा रस के औत्सुक्य को करने के लिए इस देव अनया देव्या ये जो विमर्श रूपिणी भगवती परा, जिस परा प्रावेशिका की आप लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पराशक्ति के अंदर क्रीड़ा रस का करने के लिए, आनंद लेने के लिए ही, अपने उल्लास के लिए ही, विचित्रान सृष्टि संहारान विधत्ते युगपत विभु, ये विचित्र प्रकार के नाना सृष्टियों के, विचित्रान सृष्टि संहारान, सृष्टि करना सृजन संहार यही तो है संसार, सृजन सिंचन संहार, सृजन है सिंचन है और संहार है, ये खेल है। तो ये विश्व खेल है, अब इसको खेलना, ये खेल खेल की बात में अगर दर्शन की बात समझ में आ जाए तो दर्शन हल्का हो जाता है, नहीं तो वो बौद्धिकता का बोझ ढोते होते दर्शन, नहीं तो प्रायः दार्शनिक दृष्टियां जो हैं वो बोझिल बन जाती हैं, और बोझिल इसलिए बन जाती हैं कि उसमें से सौंदर्य का निराकरण हो गया, रस का अगर निराकरण हो जाएगा, वो केवल मात्र बौद्धिक समता के आधार पर हम जीवन का व्यक्ति व्यष्टि जीवन का समष्टि जीवन का निर्माण करने का जब प्रयास करेंगे तो वो विखंडित हो जाता है। वो प्रयोग हो रहे हैं इस समय भी, वो विषमूर्छित प्रयोग जो है इस समय चल रहे हैं कि हम समता की बात करते हैं लेकिन रस के अभाव में वो वैषम्य जो है वो दूर नहीं हो रहा है, वैषम्य नहीं जा रहा है। इसलिए ये जो रस पद है, समता के साथ रस का जो योग है, ये उसमें विष को अमृत बनाने का है कि समत्व के द्वारा उस सब को संचित करके उसमें, इसलिए जो उपाय इन्होंने चिंतन किया है काश्मीर शैव शास्त्र के अंदर, उन्होंने पहला सामरस्य मुझे ऐसे लगता है कि हृदय में और बुद्धि के अंदर सामरस्य किया, दोनों में सामरस्य भाव किया कि हृदय का प्राबल्य हो और हृदय का ही प्रधानता में, हृदय के आकाश के अंदर ही ये क्रीड़ा रस जो है ये चल सकता है। शिव और शक्ति का ये जो खेल है, इस शिव शक्ति का आनंदन जो है, ये आनंदन की भावना जो है वो इस हृदय के अंदर ही संभव है। और उस हृदय के परिभाषित करते हैं उस हृदय को इस ढंग से कि यतो निर्याति विषयः, यहाँ से विषय सारे ये नानात्व जो है बाहर की ओर जाता है, प्रकट होता है। यतो निर्याति विषयः यस्मिंश्चैव प्रलीयते, और जिसमें ये सारा विषय जगत, फिर वो उसमें स्वात्म प्रच्छादन पटु जो थे वो जब अपने आप को समेटते हैं, आत्मलीन कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो है हृदय के अंदर दोनों ही संभावनाएं हैं ये, समझे कि उसमें यतो निर्याति विषय यस्मिंश्चैव प्रलीयते,
हृदयम तद विजानीयात मनस स्थिति निबंधनम, मन की स्थिति का निबंधन करना हो। हमारे लिए समस्या होती है कि मन को कैसे रोकें, मन को कैसे समझाएं। हम कुछ और ढंग से विचार सोचते कुछ हैं, लेकिन मन प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच एक बड़ा वैषम्य बना रहता है, और उस प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच के वैषम्य के कारण हम लोग जो है उसमें नाना प्रकार के उसमें आणुमा जिस तरह के भी उसमें मल है, उन मलों से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए ये जो है कि हृदय का और बुद्धि का ये सामरस्य जब तक नहीं बने, तो बुद्धि भी बंध्या है और वो जो हृदय है वो भी अपने आप में सफल नहीं हो पाता है। तो इसलिए पहला जो उसमें समीकरण करते हैं वो एक प्रकार से हृदय और उसमें ज्ञान का सामरस्य। ये जो हृदय और ज्ञान का सामरस्य है, इसी सामरस्य को भक्ति के माध्यम से, इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो आचार्य उत्पल हमारे सामने आ जाते हैं, जो इस बात को कहते हैं कि ये परम शिव, ये जो साक्षात भवनमय नाथ सर्वस्मिन् भुवनांतरे, साक्षात भवनमय नाथ, हे नाथ साक्षात जी सारे का सारा जो जगत भुवनांतर है, 118 भुवन कितने हैं, इन समस्त भुवनों के अंदर ये साक्षात आपका ही जब मैं समावेश देखता हूँ, तो सर्वस्मिन् भुवनांतरे किन्न भक्तिमताम क्षेत्रम, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो भक्ति तुम्हारे दास्य भक्ति के अंदर जो लीन है, तुम्हारे भक्ति में जो लीन है, उनका कौन सा क्षेत्र उनके बाहर रह जाता है। भक्ति के क्षेत्र में आप ये भक्ति का स्वरूप आप देखिए, शैव जो है भक्ति का क्षेत्र किस तरह से विस्तारित करता है। किन्न भक्तिमताम क्षेत्रम, भक्तिमान जो लोग हैं उनका कौन सा एरिया है जिसमें उनका प्रवेश नहीं हो सकता है। कैशाम मंत्र न सिद्धति, और कहां उनका मंत्र जो है वो अर्थ देने में चूकता कहां, कभी नहीं चूकता है। ईशाम मंत्र है, उनका जो मंत्र है वो कभी विफल नहीं होता है, वो जब भी चिंतन करते हैं। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र में भी वाक का जो सामरस्य है, मंत्र और अर्थ का जो सामरस्य है, जिसकी हम प्राय एक दूसरा पक्ष भी ले लेते हैं कि ये जो परम शिव है उनकी पराशक्ति जो है वो परावाक स्वरूपिणी है, जिसके बारे में बराबर शिव लोग जो है वो उस वाक के विषय में जब चर्चा करते हैं तो उसमें कहते हैं कि मुझे उस परावाक की परिधि में जाने पर ऐसे लगता है कि प्रकाश और विमर्श का स्वरूप जो है वो मेरी चेतना के अंदर जैसे उतर आया है। तो ऐसा उसने परा 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 परे मरीचि मध्यवर्तिनो नमे विधा 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 सुकश्चित आग्रह, एक आग्रहहीन सृष्टि की बात अभिनव करते हैं रहस्य पंचदशिका के अंदर। वो क्या कि मेरा कोई आग्रह नहीं है, मैं आग्रह लेकर के नहीं चला हूं। इसके माने क्या है कि अगर शिवत्व का साक्षात्कार करना है तो उस शिवत्व का साक्षात्कार, वो सामरस्य का साक्षात्कार वो तभी संभव है जब पहले उसमें किसी प्रकार की कोई उसमें ये जिसे कहना चाहिए कि एक दुराग्रह ना हो। दुराग्रह ग्रस्त चित्त जो है वो उसमें प्रेजुडिसेस जो होते हैं उन प्रेजुडिसेस के कारण ही आदमी मुक्त नहीं हो पाता, नहीं खुल पाता। तो भक्ति के क्षेत्र में जब वो शिव का स्तवन करते हैं आचार्य लोग, और या उसमें शक्ति का स्तवन करते हैं, तो उन सभी अपने स्तवनों के अंदर उनका ये ध्यान रहता है कि ये जो शाक्त क्रम है और शैव क्रम है, जिसको कभी हम शाक्तोपाय और शाम्भवोपाय या अनुपाय के रूप में भी देखते हैं कि शैव शास्त्र के अंदर वर्णित किया गया है, वो स्वयं ही मंत्रार्थ मंत्र शास्त्र को सबसे प्रबल साधन मानते हैं। और मंत्र, क्योंकि मंत्र और अर्थ का जो संबंध है
वो शिव शक्ति का ही संबंध है। कल नेहा चर्चा कर रहे थे उसका कि कालिदास ने उसमें वागर्थाव संप्रक्त वागर्थ प्रतिपत्ति वाणी और अर्थ के संबंध को कालिदास कहते हैं कि जैसे गिरा और अर्थ वाणी और अर्थ का जो संबंध है वो कितने ही प्रकार का है और उनमें जो जब सामरस्य आता है साधक के चित्त की तुष्टि तभी होती है अन्यथा साधक के चित्त की तुष्टि नहीं होती। तो मुझे ध्यान आ रहा था उस समय कि ज्ञानेश्वर जी इस सामरस्य की बात एक बड़े अद्भुत ढंग से व्यक्त करते हैं। वो सामरस्य क्या है कि सार्धम कश्चित केनार्धम, अब वो कहते हैं मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि शिव और शक्ति में ये इनका स्वरूप तो आपने मूर्तियों में निर्माण तो कर दिया, अर्धनारीश्वर है शिव जो है वो अर्धनारीश्वर के रूप में है, लेकिन अर्धनारीश्वर में उनको एक औत्सुक की जैसे है कि वो जैसे एक बच्चा जो है अपने उसमें कुतूहल के अंदर शिष्य और गुरु एक ही हो जाते हैं आपस में, उस ढंग से एक ही स्थापित करते हुए कहते हैं सार्धम कश्चित केनार्धम शिव समरूपिणो, ये शिव और शिवा दोनों जो समरूप हैं ये समरूप दोनों ही, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनमें से कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें वो यामल भाव जो है कश्मीर शैव शास्त्र का उसकी ओर भी संकेत हमें मिलता है कि वो यामल भाव क्या है, शिवयोः समरूपिणो, ये समरूप जो शिव और शिवा हैं इन दोनों में कौन किसके साथ लगा हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा। दृष्टि ऊपर चित्त को केंद्रित करने का प्रयास करें आप, सार्धम कश्चित केनार्धम, ये आधा शिव शक्ति के साथ लगा हुआ है जो शक्ति का आधा भाग शिव के साथ लगा हुआ है, ज्ञातुम न शक्यते लग्नम, ये मेरी समझ में नहीं आता है कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कैसा यामल भाव है, ये किस प्रकार का जुड़ाव है, ये किस प्रकार का सामरस्य है, जो मुझे बड़ा ना समझने का मतलब क्या है कि अद्भुत है, इट्स विचित्र है, ये वैलक्षण्य है एक प्रकार का। तो उसमें कश्चित केनार्धम, किसका किसके साथ आधा भाग जुड़ा हुआ है ये जब नहीं समझ में आता है तो कहते हैं इति द्वैत छलान मुहु, तो द्वैत का ऐसे लग रहा है कि अद्वैत तो है लेकिन अद्वैत को रुचिकर बनाने में जैसे द्वैत का छल प्रयोग किया गया हो रहा है, इति द्वैत छलान मुहु। तो लेकिन फिर कहते हैं ये द्वैत का ये जो छल मुझे बाहर ऊपर ऊपर जब दिखाई देता है तो शिव और शिवा ये द्वैत सा दिखाई देता है, आभासित होता है, लेकिन फिर कहते हैं कि फिर मुझे भीतर से वही आवाज आती है अद्वैतम आत्मनस्तत्वम, अद्वैत ही हमारा तत्व है भाई, अद्वैतम आत्मनस्तत्वम, अद्वैत ही आत्मतत्व है। तो इसलिए ये सामरस्य का जो सिद्धांत था, सामरस्य का सिद्धांत ये है कि समस्त जीवन प्रणालियां जो हमारा विषय विष के सेवन करने से या हमारा एक विस्मृति के कारण, प्रतिभिज्ञा ना होने के कारण, साक्षात्कार ना होने के कारण हम अद्वैत से कहीं विच्युत हो जाते हैं, हम द्वैत ही द्वैत को सर्वस्व समझने लगते हैं। द्वैत जो है अद्वैत में कैसे मिल जाता है आकर के, ये अद्वैत जो है कश्मीर शैवाद्वैत का वैलक्षण यही है कि जहाँ उभयोर सामरस्यम जात, दोनों का सामरस्य जहां पर है, यहाँ पर गिरा अर्थ जो है शब्द और अर्थ जो है वो मंत्र, उनका जो मंत्र है मंत्र की सफलता इसी में है कि जब शब्द और अर्थ में वैषम्य समाप्त हो जाता है हमें अन्वय लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल मात्र नाम लेने मात्र से ही वो हमारा रस जो है हमारा हृदय जो है वो जागृत हो जाता है, जिधर देखते हैं जिधर देखिए श्याम विराजे, श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन बारिद गाजे, श्रुति के अक्षर श्याम देखिए दीप शिखा पर श्याम निवाजे, ये जो
उसमें ये अद्वैत है, इसमें दृष्टि बंद नहीं होती है। कई बार ये बहुधा हमारा एक जो सामान्यतः दृष्टि रहती है अद्वैत के अंदर, हम उसे प्राय उदाहरण इस प्रकार से दे लेते हैं कि लय हो जाता है। उसमें लय होने की कल्पना ये शब्दों का जो छल है, क्योंकि इसको क्रीड़ा को हम विभु का उस परमेश्वर का छल मानते हैं कि वो हम अपना अपने को गोपन कर लेते हैं, स्वयं को गोपन करते हैं, तो ये उनका एक जैसे खेल में छल होता है उस प्रकार का एक छल है। इसलिए शब्दों के उस छल से आप जब भीतर प्रवेश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि द्वैत इसमें बाधक नहीं है। द्वैत बाधक है जब तक आपको अद्वैत का वो पक्ष समझ में नहीं आया, जब तक अद्वैत आपके हृदय में नहीं उतरा है तब तक द्वैत का झंझट पड़ा रहता है। द्वैतम केचिदिच्छन्ति केचिदिच्छाद्वैतम, कुछ लोग द्वैत के पीछे घूमते हैं, कुछ अकेले अद्वैत के पीछे घूमते हैं। परम तत्त्वम न जानाति द्वैताद्वैत विवर्जितम, लेकिन जो परम तत्व है द्वैत और अद्वैत दोनों से जो रहित है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए द्वैत जो है वो अद्वैत का ही अंग है। ये एक विलक्षण ये वैचित्र था कि जहां पर सभी विचार प्रणालियां जो थी वो द्वैत में, द्वैताद्वैत में, अद्वैत को बिल्कुल एक दूसरे से अलग करके चल रही थी। एक साधक ऐसे हमारे पास आते थे, वैष्णव थे, और उनको उनके गुरु को जब ये पता लगा कि ओहो ये तो अद्वैत, उसमें अद्वैत सिद्धांत में विश्वास रखने लग गए हैं, तो इनका तो भक्ति का नाश हो जाएगा, ये भक्ति के मार्ग से विचलित हो जाएंगे, तो गुरु ने उनको हमारे पास आना बंद कर दिया उनका, कि नहीं नहीं वहां पर ये अद्वैत की जहाँ चर्चा होती है वहां नहीं जाना है। तो वैष्णव संत थे वो। तो ऐसा वैषम्य जो है ये द्वैत का अद्वैत से परम ऐसे विरोध जैसे है। द्वैतादन्य सत्य कल्प अपरे अद्वैत माख्यायते, कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि द्वैत जो है वो सब मिथ्या है, वो सब झूठ है, उसका कुछ अर्थ ही नहीं है द्वैत का। वो कहते हैं द्वैताधन्य सत्य कल्प अपरे अद्वैत, अद्वैत को ऐसे परिभाषित करते एते ते वैमेव अभ्युदयिनो कस्यापि कस्याश्चिदपि, लेकिन ये हम शैव लोक हैं जो इस बात को स्वीकार करके चलते हैं कि नहीं ये द्वैत उभयोर सामरस्यम यत् परस्मिन् नहमि स्फुटम्। उभयोर सामरस्यम, जहां पर दो आपस में मिल जाते हैं, एकीभूत हो जाते हैं, जहां ज्ञान प्रेम से मिल जाता है, सौंदर्य प्रेम से मिल जाता है, अनुभव जो है साक्षात्कार से, अनुभव जो है अभिव्यक्ति के साथ मिल जाता है। स्वात्मन अभिव्यक्तिता मोक्ष है, क्योंकि आत्मा भी व्यक्ति ही तो मोक्ष है ना, तो वो अनुभव अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति और अनुभव के अंदर जब सामरस्य आ जाता है, जब वही सामरस्य शब्द और अर्थ के अंदर शब्दार्थ युगल जो है वो युगल ना रह करके यामल भाव में आ जाता है, तो उस समय और हमारी जो व्यक्तित्व है वो हमारा व्यक्तित्व जो है वो जब बाह्य और अंतर के भेद में, अभी वो विचित्र भक्त नारायण एक जगह स्तुति करते हैं उसमें तो कहते हैं कि हो बुधा निर्मल दृष्टयोपि किंचिन्न पश्यन्ति भव प्रपंचम प्रकाशमाने परमार्थ भानु। वो परमार्थ का भानु जब प्रकाशित सूर्य प्रकट होता है तो प्रकाशमाने परमार्थ भानु नश्यत्य विद्या तिमिरे समस्ते, और अविद्या का अंधकार भी चला गया लोगों का, बहुत इंटेलेक्चुअल एक्चुअल भी सारा ठीक हो गया, नश्यत्य विद्या तिमिरे समस्ते अहो बुधा निर्मल दृष्टे हो भी। और जो बुध लोग जो विद्वान लोग हैं जो सहृदय लोग हैं वो सहृदय लोग उनकी दृष्टि भी निर्मल है, तो फिर किंचिन्न पश्यन्ति भव प्रपंचम, ये ऐसा अद्भुत अनुभव है, भव का प्रपंच जो है वो दिखाई नहीं देता है हमें, वो प्रपंच रूप में भव नहीं दिखाई देता है, शिव रूप में दिखाई देता है। अब ये एक पद्य के माध्यम से ही जब वो कहते हैं कि ये देखिए अंधकार भी चला गया, आंखें भी ठीक ठाक है,
बाकी सब भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर ये भव का प्रपंच क्यों नहीं दिखाई देता? तो भव का जो प्रपंच शब्द है, जो थोड़ा सा हीनतर दृष्टि से जिसका प्रयोग लोग करते हैं, उसका हीन दृष्टि से प्रयोग न करके यहाँ पर विचित्रान सृष्टि संहारान विधत्ते युगपत प्रभु, नानात्व को अपना अलंकार मानता है शैव, नानात्व को तिरस्कृत नहीं करता है, शब्द अर्थ को लपेट लेता है अपने में। जब वो शब्द और अर्थ जो है वो एक ही बात है, शब्द जो है वही अर्थ बनता है, क्योंकि ये जो वर्णमाला है आपके वर्ण मातृकाएं हैं, मातृकाओं में वो उसमें भू कह देने से वो भू उच्चारण मात्र से ही उसमें से आविर्भूत होता है, भूतत्व जो है आविर्भूत होता है। इसी तरह से वर्ण मातृकाओं के अंदर उसमें ये बीजाक्षरों के माध्यम से वो प्रकट होता है, जो जो मैटर है वो उस चिटी में से ही प्रकट हो जाता है, उसके अंदर रम कहने से अग्नि का तत्व का प्राकट्य होने लगता है, उसी तरह से वम इस अमृत बीज के होने से उसमें जल तत्व का आविर्भाव हो जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रतीक प्रक्रिया जिसका आशय लिया गया, और वो आशय लेने का मतलब यही था कि संसार के विष की शांति होनी चाहिए, संसार बहुत विष से व्यामोह है, प्रत्येक व्यक्ति कहीं अमृतत्व से परिचित तो है लेकिन अमृत का कहीं उसे अनुभव भी शायद रहा ही है, लेकिन उस अनुभव को वो विस्मृत कर बैठता है, उसके वो ध्यान नहीं जाता है, ध्यान ना जाने से वो जो उसकी चिरंतन शताब्दियों से उसकी जो आ रही एक जिज्ञासा है, एक उसका एक वैषम्य है, उस वैषम्य जिसको वो असतो मा सद गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये प्रार्थनाएं जो वो करता आ रहा है, इन प्रार्थनाओं को ये सफल करने के लिए, उसकी सफलता को प्राप्त करने के लिए ये एक काश्मीर शैव शास्त्र जो है ये एक अनुपम उसके लिए विलक्षण उसका अंधकार को दूर करने का औषध है, ऐसा मुझे उसमें उसके सामरस्य की जो अवधारणा है उस सामरस्य की अवधारणा में ऐसा मुझे दिखाई देने लगा। तो मैं समझता हूँ कि ये परा प्रावेशिका जैसे जो ग्रंथ हैं इनके पारायण करने से आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे उसमें प्रवेश होता जाएगा तो उस प्रवेश के अंदर सर्वत्र ये दृष्टि यही रखनी चाहिए, उसमें स्वाध्याय का बोझ नहीं है, स्वाध्याय हमारे लिए प्रमाद की वस्तु नहीं है, लेकिन वो स्वाध्याय जो है वो उसमें बोझिल नहीं है किसी प्रकार से भी, तो बोझिल बनने से रोकता है दर्शन का। प्रायः आमतौर पर यह है कि शास्त्र जो है वो बोझिल हो जाता है, और बोझिल हो जाने के कारण बहुत लोगों को उसे अरुचि भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो शैव शास्त्र के लोग हैं वो इस बात को लेकर के बहुत जागरूक रहे हैं, और बराबर ये कि इस विषय में कि इस जन्म में आकर के मनुष्य जो है वो अपनी माहेश्वर्य सारता जो है उसको क्यों विस्मृत करके बैठा हुआ है, उस माहेश्वर्य सारता का उसे उद्घाटन करने का शास्त्र के मुख से, गुरु के मुख से, आचार्य मुख से, और अपने निरंतर अध्यवसाय से, अपने निरंतर चेतना से उसको अग्रसर करते रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सामरस्य की भावना का इतने समय में थोड़ा सा जो मैं निवेदन कर सका हूँ वो एक मेरा स्वागत भाषण भी था, एक मोनोलॉग जैसा, और अपने आप का भी संबोधन था, और उसमें से आप लोगों को भी अगर कोई छींटा वहाँ तक पहुँच गया हो तो बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत इन शब्दों के साथ धन्यवाद। अब बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सामरस्य के रस में, समत्व के रस में निमग्न कराने के लिए, और ये बोध कराने के लिए कि संसार का जो नानात्व है वो हमारा अलंकार है,
वो हमें रोकता नहीं है, वो संसार का जो नानात्व है, क्योंकि ना अशिवम विद्यते क्वचित, कुछ भी ऐसा नहीं है जो शिव नहीं है, तो संसार में सब वस्तु जो है वो हमें शिव तक ही ले जाने के लिए ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो शिव के बाहर है। अगर ये सत्य है तो सब कुछ शिव तक ही ले जाएगी, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए कुछ त्याज्य नहीं है, सब अपना है। तो यहाँ अपनापन जो है, अपनापन, अपनेपन की जो बात है, ये महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर गुरु जी, आपने इतने सहज भाव से इस सामरस्य के सिद्धांत को सहजता से आपने बताया। अब हम लोग भाषा परिवर्तन करेंगे और सभी को कुछ समय के लिए हम थोड़ा ध्यान का अभ्यास करेंगे, कुछ धारणा करेंगे, और उसके बाद कुछ प्रश्न अगर हैं साधकों के तो वे आपसे प्रश्न करेंगे। ठीक है जी। कितना समय बीच में रहेगा अंतराल? अभी 15-20 मिनट का अभ्यास करेंगे और फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक जी जी। तो आप चाहें तो अभी अपना ये कैमरा ऑफ कर दें और आराम से आप भी उसका आनंद लें। हवे थोड़ी वार माटे आपणे जे गुरुजीए कीधुं छे, गुरुजीए जे वातो आपणे संभळावी छे એને ધારણ કરીને તમારે કંઈ લખી લેવું હોય, તમારે કંઈ નોટ્સ લેવી હોય તો અત્યારે તમે તે કરી શકો છો। ગુરુજી આપને યહાં પર મ્યુટ કરી દીજે, આપકા જો વહાં મેં સુનુંગા, મેં સુનુંગા, આપ નહીં, આપ સુનેંગે લેકિન વહાં વો કમ્પ્યુટર મેં મ્યુટ કર દેંગે તો વહાં કી આવાજ કુછ આયેગી નહીં। ठीक है। थोड़ी वार माटे गुरुजी ये जो जे कीधु ते सांभळीने आप जे आपने समझ आवी होय तेने लखी लो। હવે પોઈન્ટ્સમાં તમે લખી શકો જે મૂળ વાતો છે। જે પણ તમને સમજ પડી હોય
અને તમારા કંઈ પ્રશ્ન બી હોય તો તેને પણ અત્યારે લખી લો. પછી જ્યારે આપણે પ્રશ્નો ઉત્તરી લઈશું ત્યારે આપણે તેને સાંભળીશું. આ બહુ સરસ અવસર છે, ગુરુજી પાસે કંઈ પ્રશ્ન હોય તમારો તો તેને વિષય સંબંધી તો તે આપ એમને કરી શકો છો. તો પ્રશ્ન પણ અત્યારે લખી લો જેથી કરીને શાંતિથી આપણે અભ્યાસ કરીશું અને ત્યારબાદ ફરીથી આપણે પ્રશ્નોત્તરીમાં ગુરુજીથી સાંભળીશું. તો આપણે તમે લખવાનું અહીંયા વિરામ આપી શકો લખવાને, આપણે આગળ વધીએ. જે સમરસતાની વાત ગુરુજીએ કરી છે તેને આપણે કેવી રીતે અનુભવી શકીએ તેના માટે આપણે એક અભ્યાસ કરીશું. શાસ્ત્ર આપણને સ્વતંત્ર કરે છે, એ સ્વતંત્રતા આપે છે. ગુરુજીએ બહુ જ સુંદર વાત કરી હતી હમણાં જ્યારે આચાર્ય અભિનવ ગુપ્તપાદની રહસ્ય પંચાશિકામાંથી ઉદ્ધરણ આપી રહ્યા હતા. તો એમણે કીધું કોઈ આગ્રહ લઈને નહીં ચાલવાનું, કોઈ દુરાગ્રહ ન હોવો જોઈએ. પણ આપણું તો જીવન આખું જુઓ દુરાગ્રહોથી ભરેલું છે. હું શું છું તેમાં પણ આપણો એક આગ્રહ છે, મને તમે આવી રીતે જુઓ, મને તમે આવી રીતે સમજો, હું આ છું, મારું નામ આ છે, મારું કુળ આ છે, મારું ગોત્ર આ છે, મારી રાષ્ટ્રીયતા આ છે, મારી માતૃભાષા આ છે, હું મારું ગૌરવ આ છે. કેટલા આગ્રહો છે, આપણે કેટલા બધા આગ્રહ સાથે પોતાને ઓળખીએ છીએ. તો આગ્રહ રહિત કેમ થવું, કેવી રીતે થઈ શકાય, સમરસ કેવી રીતે થઈ શકાય? શાસ્ત્ર આપણને સ્વનું દર્શન કરાવે છે, સ્વ વાસ્તવમાં શું છે તેનું દર્શન કરાવે છે, સ્વનો વિસ્તાર થાય છે. તંત્ર શબ્દ જે છે તનુ વિસ્તારેથી બન્યો છે, તનુ વિસ્તારેથી તનન થાય છે, તનન એટલે વિસ્તાર, સ્વનો વિસ્તાર. સ્વના વિસ્તારને જે દર્શાવી રહ્યો છે, સ્વની અનુભૂતિના વિસ્તારને દર્શાવી રહ્યો છે તે શાસ્ત્ર છે. તો શાસ્ત્ર દ્વારા આપ શું સમજી રહ્યા છો, શું અનુભવ કરી રહ્યા છો? તમે દિવ્ય પરંપરાના આચાર્યની અનુભૂતિના વિસ્તારનો અનુભવ કરી રહ્યા છો, તમે અખંડ પ્રવાહના વિસ્તારની અનુભૂતિમાં અવસ્થિત થઈ રહ્યા છો, આપ સ્વના વિસ્તારનો અનુભવ કરી રહ્યા છો. પ્રત્યેક અભ્યાસો જે તમે કરી રહ્યા છો તેમાં પણ બીજું કંઈ નથી, સ્વનો જ વિસ્તાર છે. આપણો બધો ઉદ્યમ, બધો જ પ્રયત્ન શું છે, શાસ્ત્રનો શું પ્રયત્ન છે, કે આપણે સ્વમાં અવસ્થિત કેવી રીતે થઈ શકીએ? તો પહેલાં તો સ્વ શું છે તે જાણીએ અને પછી વાસ્તવિક રૂપે સ્વની અવસ્થિતિ જે છે તે જ પ્રાપ્તવ્ય છે. એટલા માટે
તે દ્રષ્ટિથી પણ તમે જુઓ તો આ સ્વનું તંત્ર છે, સ્વનો વિસ્તાર છે. જેમ કાલે જોયું, સ્વના પણ ત્રણ સ્તરો છે, સ્થૂળ છે, સૂક્ષ્મ છે, પર છે. સ્થૂળ જે છે એ ભેદરૂપે છે, સૂક્ષ્મ જે છે એ ભેદાભેદ રૂપે છે, અને પર જે છે તે અભેદ રૂપે છે. હવે આપણે તેનો અનુભવ કરીશું. આપણે સ્વનો અનુભવ કરીશું. હું પોતાને કેવી રીતે ઓળખું છું? શું અત્યારે હું પૂર્ણતાનો અનુભવ કરી રહ્યો છું? પૂર્ણતાની સ્થિતિ શું છે? તે કેવી હોઈ શકે? સાચી વાત એ છે કે હું ખરેખર નથી જાણતો કે પૂર્ણતા શું છે. હું ખરેખર નથી જાણતો. આવો અહેસાસ હોવો તેમાં પણ ખૂબ શક્તિ છુપાયેલી છે. હું નથી જાણતો, હું નથી જાણતો આનો બોધ હોવો તે આપણને સત્ય તરફ દોરી જશે. આપણે એટલું જાણીએ છીએ કે આપણે નથી જાણતા. હું એટલું જાણું છું કે હું નથી જાણતો. આપણને એ બોધની લલક છે. તો હવે આપણે ધ્યાનમાં અંતરમાં ગોતું લગાવીએ અને જે નથી ખબર તેને અનુભવ કરવાની લલક સાથે પોતાના સ્વરૂપમાં, સ્વભાવમાં નિમગ્ન થઈ જઈએ. અને નિમગ્ન થતાં જ, સંકુચિતતા પીગળતા જ પૂર્ણતા આપોઆપ પ્રકટ થઈ જશે. આપ સહજ આસનમાં બેસો, સ્થિર અને આરામદાયક. પોતાના આસનને વ્યવસ્થિત કરી લો, થોડું હલીડોલી લો. હવે જુઓ, નીચેથી, બિલકુલ નીચેથી તમારા પગના અંગૂઠાથી આરંભ કરો અને તમારી જાગરૂકતામાં, તમારી અવેરનેસમાં નીચેથી બધું રિલેક્સ કરવાનું શરૂ કરો. પગના અંગૂઠા, એડી, ધીરે 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 રિલેક્સ કરો, કેવલ તમારી અવેરનેસ દ્વારા, અને એવું લાગે તો થોડું હલીને પણ. તમારી કમરના નીચેના ભાગમાં એક સી શેપ છે, થોડું ઘુમાવ છે, તેને અનુભવ કરો. બસ તેના પ્રતિ જાગૃત થઈ જશો તો, જો તમે આમ બેઠા હશો તો ટટ્ટાર બની જશો. તમે ટટ્ટાર બેસો એટલે તરત જ તમારા જે શોલ્ડર્સ છે, તમારા ખભા છે, તે થોડા વિસ્તૃત થઈ જશે. અને એને વિસ્તાર ઓર કરવા માટે આમ થોડુંક રોલ કરી લો પાછળની તરફ. બસ શ્વાસ અંદર લો, પ્રશ્વાસ બહાર છોડો. સહજતાથી શ્વાસ અંદર લો, પ્રશ્વાસ બહાર છોડો. હવે ધ્યાન આપો, તમારી જે ડોક છે તે રિલેક્સ છે, કોઈ ટેન્શન તો નથી ને? આમ થોડું હલાવીને જુઓ. જો કેવી રીતે હું આમ હલાવું છું જુઓ, કોઈ ટેન્શન નથી. અને પછી આમ મસ્તક ઉપર આમ હાથ રાખો. તમારું મસ્તક જાણે એક ફૂટબોલ હોય અને તમે એને ડોક પર મૂકી દીધું છે, એકદમ હલકેથી પોતાના સ્વરૂપને સહજ થવા દો. તમારી આંખોને સહજ થવા દો. ઈચ્છો તો આમ સ્પર્શ કરી અને રિલેક્સ કરો. તમારા ફેસના મસલ્સને રિલેક્સ કરો. એકદમ સહજ બની જાઓ. હવે તમારું ધ્યાન શ્વાસ પ્રશ્વાસ ઉપર લઈ આવો અને સહજતાથી શ્વાસ પ્રશ્વાસ લો. તમારી આંખો બંધ કરો. જેમ કાલે કર્યું હતું તેમ ફરી એકવાર તમારા શરીરને પૂર્ણ રૂપે જુઓ.
અને તમારું શરીર અંદરથી બિલકુલ ખાલી છે, હોલો બોડી. એ પૂર્ણ એક વાંસળીની જેમ ખાલી શરીરને જુઓ, અને તમારી ચામડી એકદમ પતલી છે જે આ શરીરને એક સાથે બસ કરી રહી છે, ટ્રાન્સપરન્ટ છે, પ્રકાશ તેમાંથી આવે છે જાય છે, હવા આવે છે જાય છે, ટ્રાન્સપરન્ટ. તમારા ખાલી શરીરમાં હવે પ્રકાશને અનુભવ કરો, આખા ખાલી શરીરમાં પ્રકાશને અનુભવ કરો. ધીરે ધીરે તમારા કણ કણને પ્રકાશરૂપ થઈ જવા દો. તમારો કણ કણ પ્રકાશરૂપ છે. જે પતલી ચામડી છે જે શરીર રૂપે દેખાઈ રહી છે, હવે તેને પ્રકાશમાં પીગળી જવા દો. પ્રકાશમાં પૂર્ણપણે તેને પીગળી જવા દો. પોતાના અસ્તિત્વને પીગળી જવા દો. પોતામાં ઓર ઊંડા ઉતરતા જાઓ. પોતાના વાસ્તવિક પ્રકાશરૂપને અનુભવ કરો, તેમાં નિમગ્ન થઈ જાઓ, એક રસ થઈ જાઓ, પ્રકાશ સાથે સમરસ થઈ જાઓ, પ્રકાશ સાથે સમરસ થઈ જાઓ. ધ્યાન કરો.
समरस प्रकाश स्वरूप साथे सम रस प्रकाश रूप चैतन्य साथे समरस समरसता इटले चैतन्यनी एक रसता समरसता इतले चैतन्य नी एक रसता। खूब धीरे धीरे तमारा हाथों ने एक बीजानी साथे थोड़ू घर्षण करो अने जे ऊर्जा छे तेने धीरे थी तमारा मोढ़ा ऊपर के आँख ऊपर अनुभव करो। आँखों तमारी बंद छे, फरीथी हाथने घर्षण करो अने तमारा चेहरा ने अशक्तिनो अनुभव करवा दो। तमारो श्वास सहज चाली रह्यो छे अने ज्यारे तमे सहजता अनुभव करो तो धीरे थी आँखों खोलो। હવે એક મિનિટ લઈ અને તમે જે અનુભવ કર્યું છે તેને તમારી જર્નલમાં લખો। આ અભ્યાસ દ્વારા તમે શું શીખ્યા, તમને શું અનુભવ થયો એને બસ બિંદુ રૂપે લખી લો જેથી કરીને તમે ભૂલી ન જાઓ। તમારા ખાલી સમયમાં તમે આ અભ્યાસ ફરીથી કરો અને જ્યારે જર્નલિંગ કરો તો તમે શબ્દ પણ લખી શકો, કંઈ કવિતા પણ લખી શકો કે કોઈ ચિત્ર પણ બનાવી શકો। ઘણીવાર અનુભૂતિ અલગ અલગ રીતે પોતાને અભિવ્યક્ત કરે છે, તો જેવી રીતે અનુભૂતિ પોતાને અભિવ્યક્ત કરે તેવી રીતે તેને થવા દો। હવે આપની પાસે સમય છે તમારા અનુભવ કથનનો, અને અંગિરસ ગુરુજી સાથે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તેને કરવાનો। અંગિરસ ગુરુજી આપ ભી અપના અભી કેમેરા ઓર માઇક ઓન કર સકતે હૈ જી।
धन्यवाद। गुरुजी ने कोई प्रश्न करवा होय तो तमे करी शको छो। तमारू वक्तव्य हिंदी में राखजो जेथी गुरुजी तमारी वात समझी शके। कहीं पर तमारे केवू होय गुरुजी ने कहीं प्रश्न होय तो तमे हाथ रेस करो अने हूँ तमने तेना माटे बोलावीश। भरत, अहीं मने बधा पार्टिसिपेंट्स नथी देखाता तो मे बी यू केन मॉडरेट। रविंद्र शुक्ला जी प्रश्न पूछी शके। नमस्कार, मेरा प्रश्न गुरुजी से है। बुद्धि के स्तर पर जो समझा जाता है, जो मुझे समझ में आता है, जो ज्ञान प्राप्त करते आते हैं, वह मुझे शिव और शक्ति के समरस के प्रति अग्रसर कर सकता है क्या? और उसके लिए मैं क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं हर चीज को बुद्धि के स्तर पर तो समझ लेता हूँ, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से या तो जो इसको समरस बोलते हैं शिव के साथ, उसका अनुभव करने के लिए कैसे करें मैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये जो बुद्धि है, ये प्रायः विकल्पों का सृजन करती है। विकल्प इसमें उत्पन्न होते रहते हैं, तो विकल्पों का कश्मीर शैव शास्त्र में एक प्रक्रिया है जिसे वो कहते हैं विकल्प संस्कार। विकल्प संस्कार से अभिप्राय उसमें ये रहता है कि जो श्रेष्ठ विकल्प आपके मन में जो थॉट्स आते हैं ना, अगर आप बौद्धिक स्तर के ऊपर भी शिव शक्ति भाव का आप समझ में अगर बात आती है, तो उस समझ में आई हुई बात का और अधिक अनुशीलन और अधिक उसका संस्कार करना चाहिए, तो वो आपको उसमें निश्चित रूप से अग्रसर कर देगी। क्योंकि बुद्धि ही जब शिवमयी हो जाएगी, इसीलिए वो जो बात हम पहले कर रहे थे ना कि बुद्धि का रूपांतरण होना जो है, वो अभी तो एक विकल्प के स्तर पर आपको समझ में आ रही है, एक थॉट के लेवल पर समझ में आ रही है, लेकिन एक थॉट से दूसरे थॉट का जो उससे श्रेष्ठतर थॉट है उससे उसका संस्कार हो जाता है। इसलिए अगर आप बुद्धि के स्तर पर भी समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है और उसको अग्रसर करना चाहिए, लेकिन उसके जैसा उससे श्रेष्ठतर संस्कार की ओर अग्रसर होना चाहिए। जी, स्पष्ट बात हुई नहीं हुई? हाँ जी, यस, यानी कि जो मुझे बुद्धि के स्तर पर समझा जाता है उसके स्तर को भले बुद्धि के स्तर पर ही पर ऊपर ले जाना है, थोड़ा और आगे ले जाना है। बुद्धि में कई, बुद्धि के भी कई स्तर है ना, वो जो विकल्प या थॉट जो उठ रहा है ना आपके भीतर, वो एक है कि आप शिव तत्व के, शिव का उसमें अंडरस्टैंडिंग आई और उसके बाद आप नीचे के लेवल पर फिर चले गए, तो वो नीचे के लेवल पर जाने की बजाय आप उदात्त स्तर की ओर अगर आप जाते हैं कि आप उसमें शैव शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अगर बुद्धि के स्तर पर ही अगर करते हैं, तो बुद्धि को ही आपने अनुभव की अनुसारिणी बना देना है। बुद्धि को आप एक श्रेष्ठ विकल्प से श्रेष्ठ विचार और उससे श्रेष्ठ विचार, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर भी बहुत संभावना रहती है श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होने की, तो इसलिए बुद्धि को भी बहुत अच्छा है कि ये अगर आप में बौद्धिक स्तर पर समझ में आती है बात, तो बुद्धि को रूपांतरित होने में प्रयास करना चाहिए। साधना अभ्यास उसी के लिए है सब। जी जी, धन्यवाद गुरु जी। एबी पटेल जी, तमे प्रश्न पूछी शको।
नमस्कार गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि प्रतिभिज्ञान ज्ञान का मतलब क्या होता है? प्रतिभिज्ञान प्रतिभिज्ञान का मतलब ये होता है कि देखिए अद्वैत और द्वैत दो शब्द आपने बराबर बहुत बार सुने हैं। उसमें द्वैत जो है हम उसमें प्रायः जीते हैं। द्वैत का मतलब क्या है कि हमारे खंड ज्ञान जो है टुकड़े टुकड़े ज्ञान हमें जो थॉट्स हैं हमारे वो टुकड़ों में ही हमारे सामने आते हैं और हम उन टुकड़ों को जोड़ करके अपने आप को व्यवहार चलाते हैं अपना व्यवहार चलाते हैं अपना सारा काम करते हैं। तो उसमें द्वैत जो है वो हमारी हमारा यथार्थ जो है वो एक प्रकार से द्वैत मूलक ही बन जाता है। हम द्वैत में ही जीना उसी प्रकार से उन्हीं थॉट्स के अंदर उसी स्तर के ऊपर निम्न स्तर के ऊपर ही जीना शुरू कर देते हैं और हमें ठीक लगता है। प्रतिभिज्ञान के बिना द्वैत का संहार नहीं होता है। द्वैत का समरसी द्वैत का अद्वैत के साथ अगर समरसीकरण हो तो अनुभव जो है वो सारे आपके विकल्पों को प्रतिभिज्ञान एक प्रकार का अनुभव है। अनुभव क्या है कि पलट के देखना है भीतर और वो साक्षात्कारात्मक है। प्रतिभिज्ञान का मतलब ऐसे पहचान नहीं है जैसे सामान्यतः लोग समझ लेते हैं। काश्मीर शैव शास्त्र में प्रतिभिज्ञान का मतलब बहुत गहरे से वो आम सामान्य अर्थ उसका जो पहचान अर्थ है जैसे आम पहचान की हम बात करते हैं वो प्रतिभिज्ञा है। वो साधारण अर्थ को पहले आप समझ लें और लेकिन उसको अनुभव में ले जाइए कि ये प्रतिभिज्ञान का मतलब कि मैंने स्व को पहचान लिया। वो प्रतीपम अभिमुखेन अभिमुख भाव अपने भीतर की शिवता की ओर अभिमुख हो जाना और उस शिवत्व की ओर अभिमुख हो करके उसको साक्षात्कार कर लेना ये प्रतिभिज्ञान। तो ये प्रतिभिज्ञान जो है ये आपकी अंतर यात्रा है एक तरह से और बाहर की ओर जो दृष्टि है वो थोड़ा आप भीतर की ओर जब लौटते हैं तो उसमें पूर्णाहंता जिसको हम कहते हैं शिवोहम। हम कभी कभी अनुभव में आते हैं जब हमारा मन लय होता है वृत्तियां लय होती हैं तो थोड़ा सा हृदय में एक संवेदन आता है। तो अकस्मात कुछ लोगों को जिनका संस्कार होता है मैंने चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम तो वो शिवोहम शिवोहम में समस्त संकल्प जो है आकर के उस अहम के अंदर परिसमाप्त हो जाते हैं। तो प्रतिभिज्ञान वो प्रक्रिया है कि आत्मानुभूति की प्रक्रिया है। पहचान का मतलब यहाँ पर सामान्य पहचान जैसे हम कहते हैं उतना मात्र तक नहीं है। वो पूरा एक पूरी एक संपूर्णता का अनुभव है। वो स्पष्ट हुआ आपको नहीं? हेलो हेलो बिल्कुल स्पष्ट है गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है गुरुजी एक और बात है इससे जुड़ी हुई जैसे आपने बताया कि द्वैत हम द्वैत भाव में टुकड़े टुकड़ों के ज्ञान में जीते हैं तो एक उदाहरण देके जरा थोड़ा स्पष्टीकरण कर सकते हैं? उदाहरण देकर इसका स्पष्टीकरण हाँ जी तो थोड़ा समझ में अच्छी तरह समझ में आए। जैसे हम टुकड़े टुकड़े में जीते हैं आपने बताया तो वो थोड़ा स्पष्ट हो रहा है तो कृपया थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। खंड ज्ञानों से अभिप्राय ये है कि हम ये हमारा सारा व्यवहार जो है वो खंड ज्ञानों पर ही आश्रित है। जैसे मेरे को अभी ध्यान आ रहा है कि ये मेरे पास एक गिलास पड़ा है एक ज्ञान मुझे हो गया और उसके साथ ये मेरा दूसरा ज्ञान आया कि मेरे पास ये कुछ और पड़ा है घड़ी पड़ी है तीसरा कुछ और पड़ा है चौथा कुछ और पड़ा है। लेकिन इन सब का ये जो
सारे के सारे ज्ञान है मेरे, छोटे छोटे व्यवहार के, ये मित्र है, ये शत्रु है, और ये मेरा अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। तो वो इतने मेरे अंदर भीतर ज्ञानों का एक बोझ, जैसे वो सारे ज्ञान जो है मेरे लिए बोझ बन जाते हैं, क्योंकि मैं बचपन से लेके अब तक इतनी इंफॉर्मेशन, जितना आपका इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, वो सारा इंफॉर्मेटिव नॉलेज जो है वो आपका, वो पूरे का पूरा खंडित ज्ञानों के ऊपर ही आश्रित है धर्म के तरफ। और इसलिए धीरे धीरे वो सब संचय होते होते आपका जो संस्काराशय है, जो आपका कर्माशय है, उसके भीतर वासना रूप में, संस्कार रूप में वो इतने संचित हो जाते हैं कि वो आपस में टकराने लगते हैं, और उससे वैषम्य, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई उसी उस तरह से दुख में अनुभव करता है, कुछ किसी तरह से अनुभव करता है, कोई दुराचार में चला जाता है, कोई क्रूर बन जाता है, कठोर बन जाता है, और वो लेकिन वो जो उसके खंडित ज्ञान है वो शांत होने का नाम नहीं लेते हैं, वो आपस में टकराते रहते हैं। तो भीतर का जो क्लैश है खंडित ज्ञानों में, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये इससे मुझे लाभ होगा, उससे नहीं होगा, इस पर मैं दया क्यों करूं, मैं कृपा क्यों करूं, क्यों ना करूं। हमारे शास्त्रकार इसलिए उन्होंने जो नियम बनाए थे उसके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं, जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो तलवार का वो जो मोल करना है वो क्या है कि उस ऐक्य का अनुभव इन खंड ज्ञानों से परे कुछ है, वो अखंड है जिसके ऊपर ये सब के सब, मुझे अखंड के ना पता होने के कारण ये मेरे खंड ज्ञान जूझ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेरा उस मैं हूं, ये जो मेरा अखंड अहंता का बोध है, ये जब मुझे पीछे उनके सबके दिखाई देने लगती है तो वो सारे जो खंड ज्ञान है वो अखंडता के साथ जुड़ जाते हैं, वो फिर परेशान नहीं करते हैं मुझे, वो उसी के कहीं इधर उधर उसके उसका ही हिस्सा बन जाते हैं उसी पर ज्ञान का। तो खंड ज्ञान जो है वो आपका है सारे का सारा, जो बाहर के विषयों से आपने संचित कर रखा है वो सारा ही ज्ञान जो है इन्फॉर्मेटिव, जितना आपका ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान जो है उसी के कारण हम परेशान है। लोभो लुंठत चित्त वित्त मनीषम, ये देखो लालच है मेरे भीतर पैदा हो गया, चित्त वित्त मनीषम, निरंतर मेरे चित्त के वित्त को, धन का हरण कर रहा है। लोभो लुंठत चित्त वित्त मनीषम, काम पदाक्रामिति, और ये काम जो है वासना जो है वही मुझे अपने पांव के नीचे क्रश कर देती है। क्रोधो युद्धत धूम केतु धवलो, और क्रोध जब उठता है अग्नि की तरह प्रचंड, जब क्रोध जागृत होता है, दन दग्धि दिग्धोदिकम, ये बार बार मुझे एकदम ब्लड प्रेशर में हाई कर करके दिला देता है, लगता है कि अब कोई स्ट्रोक हो गया। त्वाम आश्रित्य नरः शरण्य शरणम, तुम्हारा आश्रय लेकर के हे शिव शरणम संप्रार्थे हम वयम, हम तुम्हारे आगे यही प्रार्थना करते हैं, मग्नाम मानवताम समुद्धर्मा, मग्न जी जो डूबी हुई मनुष्यता, जो अपने ही उसमें आशय में अपनी ही निम्नताओं के अंदर डूबी हुई ये मनुष्यता है, इसका उद्धार करो, इसका कल्याण करो, इसको निकालो। तो ये लोभ क्रोध काम ये सारे के सारे जो है ये सब खंडित ज्ञान है, क्योंकि एक समय में एक का उदय होता है, दूसरे का उदय नहीं होता है। क्रोध जब होता है तो काम नहीं होता है, काम होता है तो क्रोध नहीं होता है, उसमें लोभ होता है तो संतोष नहीं होता है। तो ये सारे के सारे अपने इनके इनके क्षेत्र हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब ये सब खंड ज्ञान है, हमारी वृत्तियों के जितने ज्ञान है। मेरा ख्याल है ये स्पष्ट होगी बात आपको। बहुत सुंदर गुरु जी, धन्यवाद। भरत, हम और 10 मिनट लेंगे, आज गुरुजी पधारे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संडे है तो 10 मिनट और आगे प्रश्न कर सकते हैं। ओके,
नैरुति शाह जी तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नैरुति शाह हेलो अनम्यूट। हाँ नमस्कार आचार्य जी। आनंद आनंद मेरा प्रश्न ये है कि निर्विकल्प स्थिति और सामरस्य स्थिति में क्या संबंध है? विकल्प स्थिति में और सामरस्य स्थिति में, हाँ विकल्प जो है हमारे गुरुजी निर्विकल्प स्थिति में और सामरस्य स्थिति में, निर्विकल्प स्थिति में और सामरस्य स्थिति में क्या अंतर, क्या अंतर है? मैं थोड़ा देखिए निर्विकल्प स्थिति में फिर हम उस अद्वैत में चले जाते हैं जहां पर द्वैत का अभाव होता है। सामरस्य में द्वैत का अभाव नहीं है, अभाव मूलक नहीं है। ये जैसे बहुत हम लोग उदाहरण देते हैं कि यथा नद्यश्चंदमाना समुद्रे, जैसे नदियां बहती हुई अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, वो अपना नाम रूप त्याग करके समुद्र में ही मिल जाती हैं, लय हो जाती हैं। अब अद्वैत वेदांत में अन्य शास्त्रों में भी ये उदाहरण बड़ा पॉपुलर है, लेकिन मुझे उसमें ऐसे लगता है कि शैव शास्त्र इससे थोड़ा सा अलग दृष्टि एक देते हैं कि लय होने का अभिप्राय वहां पर अभाव नहीं है, ये अभाव नहीं होता है उसका, नाम रूप रहते हैं लेकिन वो उसके सामरस्य के अंदर विकल्प रहते हैं, विकल्पों का नाश नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर मुझे शिवत्व का बोध हो गया तो मैं पुत्र को पुत्र कहना बंद कर दूंगा, जो पत्नी को पत्नी कहना बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ये विकल्प रहेंगे लेकिन इन विकल्पों का एक पति जो है वो स्वामी जो है उसका, उसके आधार पर इन विकल्पों का निर्वाह होता रहेगा। ये विकल्प मेरे पर निर्भर करेंगे, इन विकल्पों का अगर लय हो जाएगा तो लीला की समाप्ति हो जाएगी। विमर्श जो है वो कभी भी उसमें उसका अभाव नहीं होता कभी भी। इसलिए प्रकाश और विमर्श का जो खेल है, प्रकाश और विमर्श में ये यही है कि वो परारूप के अंदर भी कभी प्रकाश जो है उसका प्राधान्य है तो कभी विमर्श का गुण भाव है, उसमें गौण भाव है और उसका प्रधान भाव है। लेकिन अभाव निर्विकल्पक शब्द जो है वो अभाव मूलकता की ओर चला जाता है कि ऐसी विकल्पहीन स्थिति। हम कहते नहीं हमें हम निर्विकल्प हो गए, निर्विकल्प तो हम है ही हैं, लेकिन निर्विकल्प जो है वो विकल्पों के साथ, विकल्पों से उसका विरोध नहीं है। विकल्प जो है वो सारे सार्थक हो जाते हैं। बुद्धि जो है वो आप्यायित जब हो जाती है, बुद्धि जो है जो वो जो शिवानुसारिणी जब हो जाती है तो बुद्धि जो है वो सतर्क बन जाता है, वो तो कुतर्क नहीं रहता है, वो सतर्क बन जाता है। वो सभी की सभी इंद्रियां, सभी विकल्प, सभी चेष्टाएं, सभी अंतकरण की मन की चेष्टाएं वो सभी उसमें शिवत्व का उसमें विभूति बन जाते हैं। इसलिए निर्विकल्पकता में और समरसता में ये फर्क है। समरसता में कभी द्वैत का अभाव नहीं है बल्कि वहां पर एक अभिनय है, नाना अभिनय संबंधान अभिनय का संबंध है। वहां पात्र जो है वो सब के सब, सबको पता है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, लेकिन मंच के ऊपर वो उस द्वैत के माध्यम से ही सारे का सारा अभिनय करते हैं। लेकिन वो द्वैत जो है वो उस अद्वैत के अधीन होकर के जहां से वो आविर्भूत हुआ है, वो मूल भूमि जिस चित्त में से वो एक डायरेक्शन आ रही है, उसका मूल लिखा गया है, पाठ लिखा गया है, सब कुछ लिखा गया, पात्रों की कल्पना हुई है, वो सभी उसके पूरक हैं सबके सब। इसलिए कई बार उसमें ये शिव को नर्तक आत्मा, नर्तक के रूप में, अभिनेता के रूप में उसमें एक बहुत सुंदर पद है
जिसमें ये कहा है कि तन्नुमः सात्विकम शिवम, हम उस सात्विक शिव को प्रणाम करते हैं। आहार्यम चंद्र तारादि वो आंगिकम भुवनम यस्य, ये जितने नक्षत्र घूम रहे हैं, ये सारे जो नक्षत्र घूम रहे हैं, ये सब उसका आंगिक अभिनय है, ये अंगों का अभिनय है। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांग्मयम, और संसार में जितना कुछ भी बोला जा रहा है, ये उसी का ही वाग विस्तार है, उस शिव का ही वाग विस्तार है। और आहार्यम चंद्र तारादि, और ये जो नक्षत्र तारे इत्यादि जो भी, ये सब उसका आहार्य मेकअप है उसके सारे के सारा। ऐसे सात्विकम शिवम, ऐसे सात्विक शिव को हम नमस्कार करते हैं। ये सात्विक शिव का जब थिएटर में, कला में, आर्ट्स के अंदर जब इस सात्विक शिव का आविर्भाव होता है, तो वो क्षण रसानुभूति का होता है। इसलिए वो एक समरस सामरस्य उसको जब हम कहते हैं, ये सहृदय लोगों को ही ऐसा अनुभव होता है। दूसरे लोग, उन कुछ लोग जो हैं उसमें वो कुतूहल में पड़े रहते हैं कि ये देखिए उसका चेहरा कैसा है, उसका वो कैसा है, वो कैसा है। उन लोगों को रसानुभूति नहीं होती, वो कुतूहल वृत्ति होती है मात्र। रसानुभूति उनकी होती है जिनका धीरे धीरे वो नाना अभिनय संबंधों से करते हुए सत्व का उद्रेक होता है, वृत्तियां विकल्प जो है वो अपने आप समर्पण अपने आप को करते चले जाते हैं, और एक नए विकल्प, एक नया विचार उसके अंदर उदित होता है। क्योंकि विकल्प भी उस निर्विकल्प की ही विभिन्न शक्तियां हैं, घोर आत्मिकाम घोर धराम, ये सारी विकल्प जो है उसके विरोधी नहीं है। विरोधी उस स्थिति में है जब आप एक मनों के प्रभाव में जब आप ज्यादा फंसे हुए होते हैं, तब उसमें विरोध। निर्विकल्पक शब्द जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अभावात्मकता की ओर ले जाता है वो। इसको फिर एष देवो ने आदेव्या नित्यम क्रीड़ा रसोत्सुक, नित्यम क्रीड़ा रसोत्सुक है। नित्य शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था अभिनव को। विचित्रान सृष्टि संहारान, ये अनंत काल से, अनादि काल से अनंत तक ये ऐसे ही सृष्टि का ये चल रहा है, इसमें शिवत्व का अनुभव होना चाहिए। तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, अब ये तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु यस्मिन ऋचः साम यजुगुंखी यस्मिन, ये मेरा चित्त जिसके अंदर, अब सामवेद भी क्या है, विकल्प ही है, म्यूजिक क्या है, विकल्प है। यस्मिन ऋचः, ऋग्वेद की ऋचाएं जो हैं, जिसमें ऋचाएं हैं, साम जिसमें है, ये सैक्रिफिशियल एक्सपीरियंस, यजूंशी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथ नाभा विवारा, जिसे रथ की नाभि में अर प्रतिष्ठित होते हैं वो लगे हुए होते हैं, ऐसे ही मेरा जी जो शिवीभूत चित्त है, शिवी भवती नान्त, स्वच्छंद तंत्र के अंदर वो कहा है कि आत्मा जो है वो शिवी भवती, जिनका शिव शिवरूप ही हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जिसमें ये समस्त श्रुति के मंत्र और ये सब सब के सब प्रतिष्ठिता रथ नाभाविवारा यस्मिन चित्तगुम सर्वमोतम प्रजानाम, जिसके अंदर सारी प्रजाओं का एक सामूहिक संकल्प बनता है कि हम सभी शिव हैं। वो जो सामूहिकता का संकल्प है वो भी एक बन जाता है। तो तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, तो वहां पर वो जो ट्रांसफॉर्म्ड माइंड है वो मेरा शिव संकल्प हो जाए, उसमें संकल्प जोड़। क्योंकि संकल्प और विकल्प, विकल्प तब बाधित करते हैं जब संकल्प नहीं हमारा होता है। जब संकल्प होता है, शास्त्र लोग जो हैं वो इसको इस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं कि संकल्प का उदय होने से विकल्प जो विकल्पों का एक तरह से जैसे पिघल करके सोने के टुकड़े जो हैं वो एक गुठाली एक बन जाते हैं, ऐसे ही विकल्प जहाँ मेल्ट करके संकल्प रूप हो जाते हैं, संकल्प बन जाते हैं। तो वो सात्विक शिव का वहाँ उदय होता है। वहाँ तो प्रत्येक कला, प्रत्येक अभिनय, प्रत्येक वो अगर उसमें वो सामरस्य के अंदर सारा कुछ लय ही हो जाएगा, तो फिर जागृत में मेरी स्थिति संसार लोक व्यवहार में, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि नाथ विद्यक्षय
वेद जी जब कुछ भी नोएबल नहीं रहता है तो उस नोएबल जब कुछ नहीं है तब तो तुम्हारा अनुभव होता ही है, लेकिन वेद जी वेदिक संक्षोभ है, लेकिन हम तो तुझे उस भीड़ के अंदर जहाँ बहुत हल्ला हो रहा होता है उसके अंदर भी हम तो आपको देखते हैं। वेद्य के संक्षोभ ये जैसी भक्त सुदर्शन जो तुम्हारे भक्त हैं वो उस ट्रेन के म्यूजिक में सारा खड़खड़ खड़खड़ हो रही होती, लेकिन आपका चित्त अगर कहीं लगा हुआ है तो वो उसको म्यूजिक बना लेता है कि ये ट्रेन का म्यूजिक भी म्यूजिक, ये भी आपका म्यूजिक बन जाएगा, दूसरों के लिए वो नॉइस है, लेकिन आपका चित्त अगर सरलीकृत है तो आपको लगेगा। मैं देखता था कि जब किसी बहुत बड़े पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरती थी बचपन में तो मुझे इतना अद्भुत अनुभव होता था कि वो आवाज़ मुझे अब बड़ा बहुत ही प्रिय लगने लगती थी और बार बार इच्छा होती थी कि ऐसा एक बार फिर ऐसे ही पुल के ऊपर से आवाज़ आनी चाहिए। तो इसलिए विकल्पों का जो है वो वैमनस्य नहीं है, विकल्पों से वैमनस्य सिर्फ इतना ही है कि जब आपको वो आप विकल्पों में ही जीना शुरू कर देते हैं और संकल्प के बारे में आपकी क्षेमराज एक जगह कहते हैं देहा वो क्या है कि चैतन्यम चिन्मते निजन्न सुमहन माहेश्वरम संज्ञता। ये मनुष्य जो है ये अपना माहेश्वर भाव जो है चिन्मयम माहेश्वरम भावम न चिन्मते, मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि ऐसा क्यों अभिनव भी ऐसे ही बड़ा कंसर्न शो करते हैं कि अरे मैं यूयम ब्रुवे जंगमा पाषाणं, पत्थरों को कोई बोलता है पत्थरों को कोई कुछ नहीं कहता है, कहता है यूयम ब्रुवे जंगमा। अभिनव कहते हैं अपना विमर्शनी के अंत में जाकर के समापन में कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम जंगम हो तुम जीवंत हो तुम्हें कह रहा हूँ, इसलिए क्या कह रहा हूँ तुम्हें संबित धामनि परशिवे विशत चेत, अगर संबित के धाम उस परशिव में काली एकम लवम जस्ट फॉर ए सेकंड मोमेंट, जरा उस संबित को जरा जरा सा संबित धाम वो जो परशिव है उसको जरा सा एक बार छू के देखो तो सही एक सेकंड के लिए। किं किं वर्णनि काभिराभिरवितः, तो तुम्हें मेरी ही जो वाणी मेरे जो लिखा हुआ है जैसा सब व्यर्थ महसूस होने लगेगा। सत्यम स्वयं ज्ञास्यति तब, क्योंकि तुम सत्य को स्वयं जानने लग जाओगे तो फिर तुम मेरी ये वर्णनिकाएं जो है मेरे जो किया हुआ वर्णन है तंत्रालोक है ये है वो है सारा साहित्य ये इनसे तुम्हारा कोई प्रयोजन भी नहीं रहेगा, सत्य को तुम स्वयं इतनी निर्मम अपनी वो कर लेने वाले अभिनव आचार्य जैसे लोग जो थे उन्होंने सचमुच में सत्यम स्वयं ज्ञास्यति की भूमिका का अभिन अनुभव किया था कि सत्य को तुम स्वयं जानोगे। तो सत्य को अगर हम स्वयं जानने का प्रयास करते हैं तो वो मिथ्यात्व से आरंभ नहीं करते हैं, हम उसका समरसता से कि धीरे धीरे समरसता कैसे आएगी धीरे धीरे ये किचन से हमारी समरसता आरंभ होती थी कि उसमें कि इतनी ज्वाल में इतना ये जब बनेगा ये जो ढोकला है ये अगर इसमें ज़्यादा मात्रा में ये कुछ पड़ गया ज़रा सा इसमें खटास में मात्रा में अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, एकनिष्ठ चित्त हो गया है। यशोदा कृष्ण के लिए दही जमा रही हैं तो उनका वैसे ही चित्त हो रहा है कि वो कृष्ण के लिए जो दही बनेगा उस दही के अंदर इस प्रकार का ऐसे 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 इस प्रकार से तब उसे अच्छा लगेगा। तो वो पूरे का पूरा सारे विकल्प जो हैं वो एक निष्ठ हो जाते हैं उसके अंदर, कृष्णोन्मुखी विकल्प हो गए यशोदा के सारे। तो इसलिए ये जो विकल्पों को हम संयमित करके एक संकल्प में परिणत कर देते हैं कि मैं संपूर्णता का जो संकल्प है मेरा हमारा सारा कर्मकांड जो हिंदू कर्मकांड है वो सबसे पहले संकल्प से ही प्रारंभ होता है, अन्यथा अगर ये सब मिथ्या ही होता तो संकल्प करने की अपेक्षा नहीं होती, पंडित सबसे पहले आएगा तो आपसे संकल्प कराएगा कि अमुक देवता प्रीत्यर्थम
ये पहले संकल्प करना पड़ेगा। अब ये संकल्प क्या है, वो सारे आपके जो विकल्प हैं उनको आज आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आप सब लोगों का एक संकल्प है, मेरे संकल्प है, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसमें कहीं द्वैत है, लेकिन द्वैत अद्वैत की पृष्ठभूमि में द्वैत गलित हो रहा है, द्वैत ढल रहा है, द्वैत यहाँ पर नष्ट नहीं हो रहा है, द्वैत जो है वो उसमें लय हो रहा है, एक दूसरे का पूरक बन रहा है, उभयो सामरस्यम यत्, तो आनुकूल्यम सामरस्यम, वो उसके अनुकूल होता चला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये महत्वपूर्ण दृष्टि है, जो आप अपने दफ्तर में भी बैठे उठे कहीं पर भी किसी भी कार्यक्रम के अंदर और किसी भी स्थिति के अंदर इस एक ऐसी भूमिका को आप स्पर्श कर सकते हैं। कि अगर वो रसत्व का आपको एक स्पर्श हो जाना चाहिए, बस वो रसत्व का अब ये दायित्व निहार जी का है कि आपको स्पर्श के साथ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार उसमें काली यमेकम लवम, एक क्षण के लिए जरा भाई एक बार भी थोड़ा सा स्पर्श हो जाए तो फिर उसमें विकल्प कोई निर्विकल्प कहने की अपेक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि वो निरस्त कर देता है। निरस्त नहीं कर रहा हूँ मैं उनको रूपांतरित कर रहा हूँ, मैं उनको संकल्प बना रहा हूँ, और संकल्प भी किसका बना रहा हूँ, शिव का संकल्प बना रहा हूँ। शिव का संकल्प क्या है, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, मैं सब उसी का अंग बन जाता हूँ। बहुत ही सुंदर गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दिव्य वाणी से। सब हम सराबोर हो गए, समय से समयातीत हो गए काल अखंड हो गया इस अखंड अनुभूति में ही जाने के लिए आपका प्रयास सफल होता रहे, और ये हमारी समस्त मंगल कामनाएं हैं सभी साधकों के लिए, आपके लिए। आप और गुरुजी ऐसा कर सकते हैं कि अगर और भी किसी के प्रश्न होंगे तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में रखेंगे, हम आप तक वो प्रश्न पहुंचा देंगे। आप हो सकता है रिकॉर्ड करके भी अपने उत्तर को दे सकते हैं, जिससे कि सब तक जिनका अगर प्रश्न अगर भी बचा हुआ भी होगा तो उस तरह से वो प्रश्न भी उत्तरित हो जाएंगे। अगर वो पूछना चाहें तो इस समय भी पूछ सकते हैं, लेकिन बाद में अगर पूछना चाहें तो कर सकते हैं। जी जी, वो हम क्या करेंगे कि कई, क्योंकि 200 लोग हैं तो अगर कई लोगों के प्रश्न होंगे तो वो प्रश्न रख देंगे जो आप तक पहुंचा देंगे, और फिर आप उसको ऑडियो से ही रिकॉर्ड करके उत्तर को दे सकते हैं आराम से। ठीक है जी 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 जी, ये वैज्ञानिकी का क्षेत्र आपका क्षेत्र मुझे तो बड़ा जो औपचारिक सा जो होता है तो इसमें बड़ा विलक्षण सा लगता है। नहीं तो गुरुजी यही तो समरसता है ना, सबको लेकर चल रहे हैं। हाँ, उसी समरस के कारण बैठता हूँ और कई बार उसमें बच्चे की तरह बुलाना पड़ता है कि यार आकर के देख लो ठीक है नहीं नहीं तो सब इसीलिए तो है कि आप जो मूल बात है उसको करने के लिए आप एकदम स्वतंत्र रहे। आदित्य जी सब इसीलिए हैं कि आपको सहायता हो और आप उस स्वातंत्र्य के भाव से जो आपको कहना है आप कह सकें, और आपके आपके हृदय के उद्गार इतने लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं विश्व के कोने कोने में, सब जगह सबको प्राप्त हो रहे हैं, कितनी दिव्य बात। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो आपणे सत्र अहीं समापन करीशुं अने तमारो आजनो जे अभ्यास छे, જે ગુરુજીએ કીધું કે આ સમરસતાને જોવાની છે, એટલે આ જે દ્વૈત ભાવ જે છે, જે દ્વૈત બની રહ્યા છીએ આપણે, નાના તો આપણી સામે દેખાઈ રહ્યું છે તે આપણું જ અલંકારીકરણ છે, એટલે આપણી જ આપણું જ અલંકાર છે, મારું જ આ મારો જ વૈભવ છે, આ જગત મારું જ વૈભવ છે। એ ક્યારે થશે, જો આપ કઈ લેબલ નહીં લગાવો કે હું નિહાર છું, હું પુરુષ છું, લેબલ જયારે હટી જશે, હું શુદ્ધ ચિન્મય પ્રકાશ છું,
तो बधुज प्रकाशमय देखाशे, द्वैत होवा छता ए अद्वैत रूप ज भासित थशे। तो आवी रीते तमे आखो दिवस आ दिव्य आनंद नो अनुभव करो, एक चमत्कृति नो अनुभव करो, एक अखंड प्रकाश नो, एक चिन्मय प्रकाश नो सहजता थी समरसता थी अनुभव करो। अने जेम गुरुजी कीधु के बुद्धि ने अनुभव नी अनुसारणी करो, बुद्धि अनुभव ने अनुसरे, ने तमे जे अनुभव करियो थोड़ा समय माटे पण, एक क्षण माटे पण केम नहीं, जे तमे अखंड सत्ता नो, अखंड बोध नो, अखंड प्रकाश नो जे अनुभव करियो, बुद्धि हवे तेना सिवाय बीजा ने ओळखे नहीं, बुद्धि अनुभव ने अनुसरे। बुद्धि सेने ओळखे? बुद्धि ओळखे अखंड प्रकाश ने, बुद्धि ओळखे अखंड बोध ने। जेवो तमारो खंड बोध आवे, बुद्धि तमने के आ तू वास्तव में नथी, बुद्धि अनुभव ने अनुसरे एवं तमे करी दो। एटले तमारी बुद्धि ने एवी ट्रेन करो के तमे जेवो अखंड बोध में आवो, बुद्धि तमने रोके, खंड बोध में नहीं जा, अखंड बोध में आओ। तारो वास्तविक बोध अचिन्मय प्रकाश छे, अखंड प्रकाश स्वरूप छे तारो, एमा तू रे। बुद्धि आपणू करण छे, आपणे मदद करशे। अने पछी ए संकल्प जे सद संकल्प जे छे, शिव संकल्प जे छे के शिवोहम, हूँ शिव छु, तेमा आपणे सहजता थी स्थापित थई जईशु। तो आज सुंदर वचनों साथे आपणे अहींया पूर्णाहुति करीशुं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। Oh.